नमस्कार दोस्तों, बिंदास जकास ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशोक कुजूर और आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों चलिए आज मैं आप सभी को राजगीर महोत्सव 2022 का मेला घुमाने ले चलता हूं। दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहें और मेला का लुत्फ़ उठाएँ। दोस्तों ये व्यंजन मंडप है, इधर जितने भी खाने पीने की चीज़ बना हुआ है उनका स्टोर लगा हुआ है। दोस्तों अंदर जाके यहाँ से देखिए जितने भी स्टोर लगा हुआ है सब खाने पीने की चीज़ें लगा हुआ है। दोस्तों इस मंडप में व्यंजन मंडप है और इसके अंदर हर एक किस्म का हर एक तरह का खाने पीने की व्यवस्था की गई है। आप जाके यहाँ खाने पीने कर सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाया गया है। दोस्तों राज इसके अंदर बहुत सारे सूचनाएं रखी हुई है। यहाँ से देखिए दोस्तों सारे सूचनाएं हैं तरह तरह के, ये पूरे सूचनाएं से भरा हुआ बोर्ड लगा हुआ है इस तरफ और इस तरफ, चारों तरफ आप देख लीजिए सारे चीज़ों का यहाँ सूचनाएँ दिया हुआ है। यहाँ ग्लास ब्रिज का सूचनाएं दिया हुआ है और जहाँ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर कृषि मेला राजगीर महोत्सव 2022 जिला प्रशासन नालंदा के द्वारा ये मंडप रखा हुआ है। दोस्तों इसके अंदर कृषि के उपकरण लगा हुआ है प्रदर्शनी में, आप अंदर दिखाते हैं आपको ये कृषि उपकरण से संबंधित सारे उपकरण है। दोस्तों छोटे ट्रैक्टर हैं, बड़े ट्रैक्टर हैं, जिसे किसान लोग अपने प्रदर्शनी में देख कर खरीद सकते हैं और इसका उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। दोस्तों टांगा दौड़ भी होगा। दोस्तों आज टांगा दौड़ का भी प्रतियोगिता है और शायद यहाँ लेके टांगा लोग रखा हुआ है और इस तरह से सारे लोग देखिए यहाँ लगाए हुए हैं। आप देख यहाँ पर पुस्तक मेला राजगीर महोत्सव में लगा हुआ है। दोस्तों ये जिला प्रशासन नालंदा के द्वारा इस पुस्तक मेला का मंडप है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जो आपको किसी स्टोर में या किसी दुकान में नहीं मिल सकता है। आप यहां के मनपसंद किताब को देख सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। यहां देखिए दोस्तों बहुत सारे किताब रखे हुए हैं, आप इस किताब को यहां से आप देख सकते हैं और जो आपको पसंद आए उस किताब को आप ख़रीद सकते हैं। दोस्तों और स्टोर लगा हुआ है इधर चारों ओर, देखिए चारों ओर किताबों से भरा हुआ है और इसमें सभी तरफ किताबें रखा हुआ है और उसको देखकर आप लोग ख़रीद भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। एक ग्राम श्री मंडप है दोस्तों राजगीर महोत्सव में और इसके अंदर आपको बहुत सारे कपड़ों की स्टोर लगा हुआ है। आप तरह तरह के कपड़े हैं यहाँ ख़रीद बिक्री कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य मैट दर्री वगैरह भी है, आप आके यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए दारी का यहाँ लगा हुआ है, आप यहाँ से अपना पसंद करके आप ख़रीद सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे दरियाँ लगी हुई है, मैट लगा हुआ है, हर प्रकार का हर डिज़ाइन का है, आप आके यहाँ देख सकते हैं और उसको अपने घरों में सजा सकते हैं। और इसके अंदर देखिए दूर दूर तक बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, सारे के सारे ग्राम श्री मेला। दोस्तों जीविका की तरफ से एक कुटिया बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ ये अंदर में आप इसका नज़ारा ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं और बहुत खूबसूरत सजाया गया है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोनों आ रहे हैं, माय बेटी मम्मी और एंजल स्कूल से आई हुई है, तो हम लोग इधर मिले हुए हैं तो दोनों इधर मेला घूम रहे हैं। यहाँ बाहर से आपका नज़ारा दिखाता हूँ, वहाँ से ग्राम श्री मंडप लगी हुई है और 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे ऐसे स्टोर लगा हुआ है जो स्वयं समूह की ओर से अपने अपने दुकानों का प्रदर्शनी के साथ साथ यहाँ ख़रीद बिक्री भी कर सकते हैं। इसके अंदर में जाके आपको फर्नीचर वगैरह भी मिलेगा और तरह तरह के चीज़ें भी आपको मिलेगा जो कि अमूमन बाज़ारों या हाटों में नहीं मिलता है। दोस्तों आप इस मेला का अंतिम दिन है लेकिन ग्राम श्री मेला आपको एक सप्ताह तक रहेगा। दोस्तों आप इस एक सप्ताह में आके आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी बच्चे स्कूल के हैं, वो
अपना प्रोग्राम करके अपने वापस जा रहे हैं दोस्तों। हाँ, इधर देखिए चारों ओर बहुत भीड़ है। भीड़ तो इतना है कि अभी दिन का करीब 1:30 बज रहा है और इस 1:30 बजे में बहुत सारे देखिए बच्चे लोग जा रहे हैं हाय करते हुए और खुशी आ रहा है दोस्तों। अब इस तरह से देख सकते हैं भीड़, शाम के समय बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। अभी दिन में भी इतना भीड़ है तो शाम में और भी अधिक भीड़ होती है दोस्तों, और शाम में और भी अधिक खूबसूरत लगता है क्योंकि शाम में बहुत सारे लाइटें लगी हुई है जिसके द्वारा यहाँ की खूबसूरती और अधिक चार चांद लगा देती है दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।